फाइव स्टार राकेश किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हम मटर पुलाव बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये मटर लिया है, ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, ये हमने थोड़ा सा लहसुन लिया चोप कर रखा है, ये हमने दो पत्ते तेज पत्ता लिया है, दो कटोरी हमने चावल लिया था, इसे हम आधे घंटे भिगाए हैं अच्छी तरह से धो के। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे इसमें। छोटे चम्मच से हम आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं। अब हम इसमें खड़े मसाले भी डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मटर डाल देंगे। अब हम इसे हरी मटर को 5 मिनट भून लेंगे। इसे थोड़ा टेस्ट के लिए हम मैगी मसाला डालेंगे 1 चम्मच। अब आधा चम्मच हम नमक डालेंगे इसमें। अब हम इसमें 1 जग पानी डाल रहे हैं। अब पानी को हम उबलने देंगे। पानी हमारा उबल रहा है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। देखना मेरे प्यारे दोस्तों, हमने चावल डाल दिया। अब चावल को हम 20 से 25 मिनट पकाएंगे जिससे हमारा चावल अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। देखना चावल हमारा पक रहा है धीरे धीरे और पानी हमारा सूख रहा है।
अब हम इसमें कलर डालेंगे हल्का सा, जैसे अच्छा लगे। थोड़ा पीला कलर हमने डाल दिया इसमें, थोड़ा सा हम लाल कलर भी डालेंगे इसमें। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे हम। कवर कर देंगे। आप अखबार से भी कर सकते हैं, सिलोर फाइल से भी कर सकते हैं। हम इसे अखबार से कवर कर रहे हैं। अब हम इसमें पानी के छींटे मार देंगे थोड़ा सा अखबार के ऊपर। हमने ये छींटे मार लिया पानी के। हम इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। अब इसका गैस हम स्लो कर देंगे और करीब 10 मिनट छोड़ेंगे स्लो करके, उसके बाद गैस बंद करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों 10 मिनट हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। एक बार जरूर बना के देखें, बनाना बहुत ही आसान है। देखना पुलाव हमारा बन गया है। तरीके से खोलना है चावल को। देखना चावल हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। हमारा मटर पुलाव बनके तैयार हो गया है। आपको हमारा रेसिपी पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी जरूर दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। एक बार ज़रूर बना के देखिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।